Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. Hi everyone. बच्चे आज हम एक रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट. राइट, आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि माइग्रेशन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मतलब अलग अलग हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं. एक टाइप ऑफ कैटेगरी वो ये है कि जिसमें हम दो कैटेगरीज में उसको तोड़ते हैं, दैट इज कि या तो माइग्रेशन फोर्स्ड है या वॉलेंट्री है. राइट, और फोर्स तब होती है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर या कोई ऐसा कोई और कारण होता है. वॉलेंट्री होती है जब आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए जो है इधर उधर मन से जाते हैं. राइट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आपको इसी चीज के ऊपर एक ओवरव्यू देता है कि वर्ल्ड में माइग्रेशन पैटर्न क्या चल रहा है. अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया जो है वो रेमिटेंस रिसीवर में नंबर वन कंट्री जो है वो बन गया है. राइट, सो अगर इंडिया रेमिटेंस रिसीविंग में नंबर वन कंट्री बन गया तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि इंडिया के जो डायस्पोरा है वो मैक्सिमम वर्ल्ड में किन किन जगहों पे है. राइट, इंडिया के बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पर कौन सी कंट्रीज है रेमिटेंस रिसीव करने के लिए, और ये जो वर्ल्ड रेमिटेंस, जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है जिसका रेमिटेंस की बात भी हो रखी है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन सी एजेंसी देती है, ये सारी चीजें जो है आपके मेंस के लिए रेलिवेंट होती है. आइए बच्चे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने जो है ये रिपोर्ट को रिलीज किया है. राइट, हाईलाइटिंग ये देखिए बच्चे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स करंटली चल रही हैं, राइट, वेरियस रिपोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईएलएम ने रिपोर्ट दी है, इसके अलावा यूएनईपी की रिपोर्ट्स हैं. राइट, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की और दूसरी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी जो है रिपोर्ट्स दी हैं. अल्टीमेटली वर्ल्ड में जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल हम जो है फेस कर रहे हैं वो इन्हीं दो मेजर कारणों की वजह से कर रहे हैं बच्चे. ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा आपको, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अंदर भी, जो कि IOM के थ्रू आई है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अंदर भी यही चीज बोली है कि यही दो मेजर ड्राइवर्स हैं ग्लोबली फॉर माइग्रेशन, विच इज योर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और ये फोर्स्ड माइग्रेशन की बात हो रही है बच्चे यहां पे ना, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन यू आर डिस्प्लेस्ड, आप किसी प्लेस पे थे, नाउ यू आर डिस्प्लेस्ड, है ना, आपको जगह से हटा दिया गया अपनी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो उसके जो दो मेजर कारण है वो यही है. और मैं आपको पहले बता रहा था कि जो ILO की रिपोर्ट्स वगैरह है, इन्होंने बताया था कि जो वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्रीज हो रही है, और उन्होंने आइडेंटिफाई करी है कुछ कुछ फील्ड्स की, फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर जो वर्कर्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी वर्सेस वो वर्कर्स जो इंडोर्स काम करते हैं. राइट, है ना, डेली वेज वर्कर्स, उनके बाद नेक्स्ट जो है जो बिजली है वो नेक्स्ट उन पे गिरने वाली है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो और कम होगी. राइट, तो विशेष साइकिल में फंसने के चांसेस है. कारण मेनली दो ही है, विच इज योर क्लाइमेट चेंज एंड योर कॉन्फ्लिक्ट. एंड वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी स्टिल अभी भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है. चाहे आप वेस्टर्न अफ्रीका देख लीजिए, चाहे आप सेंट्रल एशिया का थोड़ा सा पार्ट देख लीजिए, यूक्रेन वाला आपको पता ही है. राइट, पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं छोटे 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 कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपका ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस. राइट, यूरोप वगैरह के अंदर भी ये फिलहाल करंट जो है ये डिबेट चल रही है इस चीज के ऊपर, आप लोग देखते ही रहते होंगे. अभी फिलहाल हम चलते हैं कि अपनी रिपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. राइट, दिस पर्टिकुलर थिंग, इंडिया होस्ट द मोस्ट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, कहने का मतलब कि इंडिया से मैक्सिमम माइग्रेंट्स होते हैं. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है 18 मिलियन. विद टॉप डेस्टिनेशन, टॉप डेस्टिनेशन देखिए बच्चे आप कौन सी है टॉप डेस्टिनेशन, UAE, USA एंड सऊदी अरेबिया. UAE के अंदर जो इनकी नेटिव पॉपुलेशन है इट इज वेरी लेस, आई थिंक लेस देन 30% इज द नेटिव पॉपुलेशन, बाकी सारे माइग्रेंट्स ही हैं. राइट, तो इस कंट्री में इंडियंस का टॉप डेस्टिनेशन, इस कंट्री का टॉप डेस्टिनेशन होना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है. सेकंड इज USA एंड थर्ड वन इज द सऊदी अरेबिया. ये भी आपका जो है प्रीलिम्स का जो है एक पॉइंट आपका बन सकता है, यहां से एक सवाल आपका उठ सकता है. UPSC शायद नेक्स्ट ईयर तक इसको ना पूछे, इस साल तो आने के चांस नहीं है क्योंकि रिपोर्ट बहुत रिसेंट आई है, ये पेपर बन चुका होगा इस साल का. तो लेकिन आपको जो PCS वगैरह आने उसके लिए बच्चे ये वाली पर्टिकुलर चीज जो है वो रेलिवेंट है. चलिए आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं इसको क्या बोलती है रिपोर्ट आगे. सिंस 2000 IOM हैज बीन प्रोड्यूसिंग इट्स फ्लैगशिप
माइग्रेशन रिपोर्ट एवरी टू ईयर्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट एवरी टू ईयर्स आती है, एनुअल चीज नहीं है ये, राइट। इसके अलावा टॉप फाइव रेमिटेंस रिसिपियंट कंट्रीज इन 2022 आर, पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे नंबर पे मेक्सिको, देन चाइना, फिलीपींस, और एक, एक पांचवा भी लिख लीजिए आप बच्चे, विच इज फ्रांस, फिफ्थ वन इज फ्रांस, है ना। ये थोड़ा सा यूनिक एंट्री है इसलिए मैंने अलग से आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए। फर्स्ट फोर आप डेफिनेटली याद कीजिए, पांचवा आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया इस तरीके से, इंडिया, मेक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस, दीज आर द टॉप फोर रेमिटेंस रिसिपियंट्स। और अगर किसी को रेमिटेंस क्या होती है नहीं पता है, प्लीज आप इसको एक बार पढ़िए, आपके स्टैटिक पार्ट का भी ये जो चीज है एक एक टॉपिक जो है वो बच्चे कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या बोलती है बच्चे, इंडिया वॉज द टॉप कंट्री रिसीविंग द रेमिटेंस, इंडिया केम इन एज 13th एज द डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स, है ना। ये देखिए ये ऐसा फैक्ट है कि शायद मतलब आप इसको गेस नहीं कर पाओगे अगर आपको आउटराइटली पता नहीं है तो, राइट। थ्री कंट्रीज इन द सदर्न एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश रैंक अमंग द टॉप 10 रिसिपिएंट्स ऑफ द इंटरनेशनल रेमिटेंस, ये भी अगेन आपका जो है एक प्री का जो है वो पॉइंट बनेगा। द गल्फ स्टेट्स रिमेन सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, राइट। और इनकी पॉपुलेशन, गल्फ स्टेट्स की जो पॉपुलेशन का मेजर चंक है वो माइग्रेंट्स का ही है, राइट। ये देखिए लिखा भी हुआ है, द यूएई, कुवैत एंड कतर माइग्रेंट्स मेक अप टू 88%, नियरली 73% and 77% ऑफ द नेशन पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली। मैं आपको मतलब बोल रहा था कि लेस देन 30% इज नेटिव पॉपुलेशन, ये देखिए ये 12% के आसपास है, इट इज टू लेस, राइट। तो ये आपके जो सारे पॉइंट्स है बच्चे, ये आपके हर ये पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए जो है थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाते हैं। इंडियन डायस्पोरा लिव इन कंट्रीज सच एज यूएई, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सऊदी अरेबिया, यही आपकी टॉप थ्री कंट्रीज है जहां पे इंडियन डायस्पोरा जाने को प्रेफर करता है या जहां पे जा रहा है करंटली, राइट, और करंटली रह रहा है वहां पे। एंड आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस 7 minute टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेंस एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु आईएएस करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.